बैनी को क्या देंगे अशु आप? गिफ्ट देंगे छोटू बेबी को। क्या की मम्मी, हेलो बोल दो मम्मी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हो, मस्त हो। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से, और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ। तो अपने ब्लॉग में देखा होगा, पिछले साल पशुपति नाथ मंदिर गए थे हम, तो उस समय वो मैरिड थी, दो थे, अब 2 से 3 हो चुके हैं। तो उसका छोटा बेबी, मतलब बेबी गर्ल हुई है, तो मैं उसे देखने जा रही हूँ। मम्मी भी जा रही है साथ में, आरुष भी जा रहा है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं भी, तो हमें घर मिल जाएगा, आई होप कि मिल जाए। और तो चलिए, उसके लिए मैं थोड़ा उसके लिए छोटी छोटी फ्रॉक्स वगैरह ले जा रही हूँ, और गिफ्ट ले जा रही हूँ, मतलब खिलौने वगैरह, टॉयस वगैरह। तो चलो फिर, और वहीं जाके दिखा दूँगी कि कैसे क्या ले जा रही हूँ, तो वो भी देख लेगी, मैं भी देख लूँगी, आपको भी दिखा दूँगी। जो बेबी गर्ल है ना, वो भी 1 महीने की भी नहीं हुई है, तो कुछ दिनों की ही है। 24 मई को उसका बर्थ हुआ था, और अभी वो 1 महीने की भी नहीं हुई है। तो चलो फिर दिखाती हूँ आपको छोटू सा बेबी, और हम भी देखेंगे, आरुष भी देखेगा। आरुष तो हमारे यहाँ बहन को बैनी बोलते, तो वो बैनी बैनी कर रहा है, तो कब जाएंगे कब जाएंगे कह रहा है, तो खुश है। तो चलो फिर मेरे साथ। हो गया है तो फ्रेंड्स, ये है देखो गिफ्ट का बॉक्स, इसमें मैंने फ्रॉक रखी है और उसके टॉय वगैरह है, तो उसको पैक कराऊंगी, अगर पैक हो गया तो सही है। तो चलो दोस्तों, मैं ना कपड़े डालना भूल गई थी, तो मैं कपड़े भी डाल रही हूँ, मतलब ध्यान ही नहीं रहता है मुझे यहाँ पे कपड़े डालने की, और मैं भूल जाती हूँ बाथरूम में ही, तो चलो डालती हूँ। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, देखो पसीना पसीना हो गया मेरे तो, और अंदर अच्छा हो रहा है, भाई बाहर निकलने में बहुत गर्मी सी हो रही है। आज वैसे मौसम तब भी थोड़ा ठीक है, पहले क्या कर चुके हैं बैनी का गिफ्ट पकड़ के। तो ये बैनी को क्या देंगे अशु आप? गिफ्ट देंगे छोटू बेबी को। हाँ आशु एक्साइटेड है। और ये काव आ गई है, तो गेट बंद कर दो भाई फटाफट, मम्मी भी आ रही है। नानू गाय परेशान कर रही है, चलो करती है बचा रहा तुमको, अब ना बता क्या पहन रहा है, ले आओ जाओ, या गॉगल्स ले आओ जाओ, जाओ अपने गॉगल्स ले आओ जाओ। तो हम लोग निकल चुके हैं, हम तीनों लोग जा रहे हैं, अब हम यहाँ से ऑटो करेंगे। अशु आगे आगे, कितना शौक हो रहा है भाई घूमने का, लड़के को बस घुमा लो। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हो ट्रेन, लेकिन ये ट्रेन नहीं है, ये कैफ़े खुला है बरेली में, पहली बार ऐसा इस तरीके का कैफ़े खुला है। तो उसके बाद दोस्तों, मेरी जो फ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड हमें लेने आ गए थे गाड़ी से, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे उसके ससुराल को, मैंने देखा नहीं था, मायके का ही घर देखा हुआ था, तो ससुराल में पहली बार जा रही थी, तो हमें लेने आ गए थे। ठीक है, मौसी के पास ठीक है यार, राय जैसा। हेलो उतार देता है, ओई हुई छुटकी छोना बाबू, तो बहुत ही छोटी सी हो रही है, तो रोई रोई करने जा रही है भाई, और इसी भी हवा के लिए आ गई बेबी के चक्कर में। हां नित्या ये नित्या की मम्मी, हेलो बोल दो मम्मी। हेलो इससे क्या होता है? इससे एसी ऑन। आशु बहनी अच्छी लगी ना? ऑफ कैसे होता है? और किस होता है? ऑफ करना है तुम्हें बात है, और ऑफ कर। ये देखो नानी की गोदी में, ओए ले लो गोदी में तो, ये देखो देखो मुझे भी दो, अभी अभी देंगे थोड़ी देर में, फोटो खिंचाएंगे जब तुम्हारे साथ, ये देखो छोटी बहनी। तो दोस्तों, मैं ना बेबी के लिए 2 फ्रॉक लेके गई थी और टॉयज लेके गई थी, तो अभी छोटे मोटे ही टॉयज लेके गई थी, क्योंकि अभी बहुत छोटी है वो। अरे वाह, पापा जी पापा जी छी, पापा जी छी,
ये देख देख रही है देख नित्या है नित्या ये नित्या है वही तो पहचान लग जाएगी। अब शैतानी मत करो मौसी की, यहाँ मौसी क्या कहेगी। दूध दही हाँ रूबी तो ऐसे ही करता था बचपन में सेम। हाँ फिर ऐसे ही करता था। ये कह रही है मुझे फ्रूटी नहीं पिलाई आपने। सब बात बताऊंगा, सब बताना। बच्चे लोगों की सब बात बताएगा। क्या बताएगा मौसी को? बड़ी हो जाएगी। क्या बताएगा फिर? इसको बताएगा, इसको बताएगा। अच्छा इसको इसको क्या बताएगा? जब ये बड़ी होगी ना फिर इससे ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। हाँ फिर इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा? बहुत बड़ा। 10 साल का? 10 साल का? 8 8 8 आठ साल का होगा। 5 साल और घट जाएगा क्या? 5 साल बाद बोलेगी अभी वो तो। हाँ 10 साल का हो जाऊंगा। हाँ 10 साल का। बैनी देख रही कितना बोलता है दद्दा। ये दद्दा कितना बोलता है? मुंह में मार लेते हैं। नहीं माफ करो गंडा, ये उधर क्यों कर रही है सर? देख रही है बोल रहा है ना। बैनी को ले जाए हम गोदी रखना है अभी रखे वो उधर रख दो। ये ख्वाहिश इसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी ना। इसको बैठा देना तब बैठा। अरे बहनी को ले जाए तो लड़के। बाय बाय बाबू, बाय करो। अब कब मिलेंगे? अब 1 साल की हो जाएगी तब मिलेगी लग रहा है। करने वाली हो जाएगी तब तब मिलेंगे वाला। छोटी छोटी चिप्स लेके जाओ। ये अभी अगली बार मौसी को परेशान कर रहा था ना ये, उसको अब मैं नानी के घर छोड़ के जाऊंगी और अकेले आया करूंगी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, मिल लिए हम छोटी बीबी से भी। और ये हमारी छोटी बीबी, बाय। ये नित्या है। हाँ और हमने बहुत सारी बातें भी कर ली हैं। अब टाइम हो गया है 6:30 बजने वाला है, हम जा रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं। बाय बाय नित्या। बाय बाय अशु, बाय बोल दो। बाय बाय नित्या को। बाय बाय बोलो। ठीक है बाय नित्या। बाय बच्चा। अभी हाँ बात होती रहती है। बाय नित्या, अब हम जा रहे हैं, अब मिलेंगे फिर कभी। हाँ पकड़ने लायक हो जाए। ठीक है ठीक। चलो हम बैठ गए ऑटो में। कुछ भूले भाले तो नहीं ना? कुछ भूले वाले तो नहीं ना? जूते खुद ही उतारता है तो गुड बेटा है। पहुंच गया बैनी को देख के। देख के आ गए लड़की। चल रही हो? अभी इसको एक महीना। इसको महीना लगा है? अच्छा नहीं उतार रहा? ला मैं उतार। ये छोटे निकाल लिए देखो। हेलो गाइस, और मेरी मम्मी छोटे रखी है। और देखो हम आ गए हैं घर से और मैं कपड़े उतारूंगा अभी। तो दोस्तों हम खा रहे हैं मोमोज एंड चिली पटेटो। तो आप भी आ जाओ।
तो दोस्तों मैंने कर लिया है चेंज और बस हमने मोमो और हम क्या चिली पटेटो लेके आए थे तो वो हमने खा लिया है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा बनता है, पास में ही है, हम घर में एंट्री करते हैं ना तो रास्ते में पड़ता है तो बहुत अच्छा मतलब बना के देते हैं, मज़ा आता है और टेस्ट भी अच्छा है। हमने खा लिया है और बाबू से मिल के भी आ गए, हम अभी भी लगा हुआ है तो नित्या से मिल के आ गए हैं, उसका नित्या नाम रखा है मेरी फ्रेंड ने और बस। तो मज़ा आया आज का, यही है ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग। तो चलिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, बाय।